हेलो जी, क्या हाल है जी। मोटो जी ने वही वाली चाल इंडिया में चली है जिसकी शुरुआत शाओमी ने करी थी रेडमी के नोट 10 प्रो में, और साथ में रेडमी के नोट 10 प्रो मैक्स पे। एक में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, एक में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। मोटो का G40 फ्यूजन का जो प्राइस है ना, ये है 14,000 रुपए। 14,000 रुपए में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और आपके पास ICICI बैंक का कार्ड है, ये फोन आपको पड़ जाएगा 13,000 रुपए का। आपको लेना है 108 मेगापिक्सल का कैमरा तो भाई आपके पास है मोटो का G60। इस फोन का जो प्राइस है ये है 18,000 रुपए। बैंक की तरफ से यदि आपको ऑफर मिल जाएगा तो ये फोन आपको पड़ जाएगा केवल और केवल 16,500 रुपए का। यदि आप कंफ्यूज हैं, आपको जाना चाहिए मोटो के G60 की तरफ या आपको जाना चाहिए रेडमी के नोट 10 प्रो की तरफ, तो मेरे भाई इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, सब कुछ आपको विधिवत तरीके से बताने वाला हूं। बहुत दिनों से मैं ये दोनों फोन यूज कर रहा हूं और यार मैं इस फोन का गिव अवे करने वाला हूं। गिव अवे में आपको क्या कुछ करना होगा इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस वो जो एंट्री डन लिखते हैं ना भैया, वो नहीं लिखना होगा, आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। दोनों ही फोन में जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है ना, ये बिल्कुल सेम मिल रहा है, स्नैपड्रैगन का 732G। ये जो प्रोसेसर है ना, ये 4G वाला प्रोसेसर है, 5G वाले सिम कार्ड यहां पर नहीं काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है, दोनों ही फोन में यार आपको 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कैरियर एग्रीगेशन। और जब भी यार मैंने इंटरनेट की स्पीड चेक करी ना कहीं मोटोरोला में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा मिल रही है। सीपीयू थ्रोटलिंग में भी मोटोरोला का जो फोन है ना, ये कम थ्रोटल हुआ है। उसके साथ साथ यार वीडियो एडिटिंग में दोनों ही फोन काफी परफेक्ट हैं। 19-20 का फर्क है, कहीं भी कोई भी अंतर नहीं है। अंततु बेंचमार्क स्कोर यार जब भी मैंने चेक करा ना, कभी मोटोरोला में ज्यादा आ रहा है, कभी यार शाओमी में ज्यादा आ रहा है, मतलब यार हर टाइम बदल बदल के स्कोर आ रहा है। ट्रस्ट करें कि ना करें, डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे आप मोटोरोला के फोन में चले जाइए, चाहे आप शाओमी के फोन में चले जाइए, गेमिंग के लिए यदि आपको फोन लेना है, मेरे हिसाब से आप दोनों ही फोन में जा सकते हैं आराम से। यार आप बिंदास तरीके से गेम खेल सकते हैं, दिन भर के सारे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं यार कौन से फोन में बैटरी काफी कमाल की है। जो Redmi का Note 10 Pro है ना, यहाँ पर आपको जो बैटरी मिल रही है ये है 5020 mAh की। उसके साथ साथ 33 वॉट का जो फास्ट चार्जर है ये भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। 100 मिनट के आसपास ये फोन फुल टू चार्ज हो जाता है, एक दिन कहीं भी नहीं गए हैं, आराम से यार बिंदास तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और जो यार मोटो का G60 है, यहां पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, 1.5 से 2 दिन बिंदास तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यदि आपको अच्छी बैटरी वाला फोन लेना है तो आपको जाना चाहिए मोटो के G60 में, यहां पर आपको काफी बड़ी वाली बैटरी मिल रही है और बहुत देर तक आपकी जो बैटरी है वो काम कर जाएगी। वैसे फोन की बैटरी और आपकी बैटरी भी चार्ज रहेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बस आपको हंसना चाहिए। अब बात करते हैं यार कौन से फोन का सॉफ्टवेयर काफी कमाल का है। MIUI अपने में काफी बेहतर UI है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं यार MIUI में बहुत सारे बग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और Xiaomi कब ये सारे के सारे बग्स फिक्स करेगा इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। और जो यार मोटो का G60 है ना, बहुत ही क्लीन UI आपको देखने को मिल जा रहा है, कहीं भी आपको कोई भी ब्लोट्स यार देखने को नहीं मिल रहे हैं। यदि आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला फोन लेना है तो आपको जाना चाहिए मोटो के फोन में, बहुत ही अच्छा वाला UI है। उसके साथ साथ आपको मोटोरोला के फोन में यार एड्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। Redmi के Note 10 Pro में आपको यार डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का फीचर मिलता है, मतलब यार आप 2 सिम कार्ड भी डाल सकते हैं, साथ में एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। और जो मोटो का G60 है, यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। और जो यार Redmi का Note 10 Pro है ना, यहाँ पर आपको UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। और जो लाउड स्पीकर है ना, आपको 2 देखने को मिल जा रहे हैं, काफी लाउड है, काफी अच्छा वाला म्यूजिक आपको सुनाई देता है Redmi के फोन में। और जो मोटो का G60 है, यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर मिल रहा है, डिसेंट है। Redmi के Note 10 Pro में आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। और जो मोटो का फोन है ना, यहाँ पर आपको मोटो का एक्शन मिलता है, ये जो यार चॉप चॉप वाला फीचर है ना, ये काफी मुझे पसंद है। अब मैं आपको ये बता दूं, दोनों ही फोन में यार आपको सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का भी फीचर मिल जाता है। और उसके साथ साथ यार जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है ना,
ये आपको मिलता है इस वाले फोन में जो है Redmi का फोन, काफी फास्ट है। और पीछे वाला फिंगरप्रिंट ये आपको मिलता है Motorola के फोन में। डिस्प्ले किस फोन की बेहतर है, जो Redmi का Note 10 Pro है ना, यहाँ पर आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। HDR 10 का आपको सपोर्ट भी मिल जाता है। और भाई वाइड वाइन L1 भी यहाँ पर आपको मिलता है, बहुत ही कमाल के डिस्प्ले है। पीछे की तरफ जो आपको डिजाइन मिल रहा है ये भी काफी अच्छा है। और जो फोन का वेट है ना ये भी काफी कम है, 192 ग्राम का फोन है, देखने में काफी प्रीमियम दिखता है। और आगे की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोडक्शन मिल जा रही है, छोटा सा पंच होल वाला डिस्प्ले है। देखने में सुंदरता के मामले में मेरे हिसाब से Redmi का जो Note 10 Pro है ना ये काफी बेहतर फोन है। और जो Moto का G60 है यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है, ये तो अच्छी बात है यार, अब कंपनी 120 हर्ट्ज में जा रही है। उसके साथ साथ पीछे की तरफ जो आपको डिजाइन मिल रहा है ये भी ग्लॉसी है। Moto के G60 में आपको NFC का भी फीचर मिल जाता है। और जब भी यार आप वीडियो कोई भी देखेंगे ना तो आपको काफी मजा आने वाला है दोनों ही फोन में। कहीं ना कहीं जो सुपर AMOLED डिस्प्ले के कलर होते हैं ना ये काफी बेहतर होते हैं। यदि आपको अच्छी डिस्प्ले वाला फोन लेना है मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए Redmi के Note 10 Pro की तरफ, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का सुपर AMOLED पैनल मिल रहा है। अब बात करते हैं यार सबसे हाई लाइटिंग फीचर की, जो है कैमरा। Redmi के Note 10 Pro में आपको पीछे की तरफ चार आंखें देखने को मिल जा रही है, एक है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का, एक और है 2 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का टेली माइक्रो सेंसर मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है। और जो Moto का G60 है ना, 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जा रहा है, एक है 8 मेगापिक्सल का, एक और है 2 मेगापिक्सल का। और जो सेल्फी कैमरा है ये है 32 मेगापिक्सल का, ये अच्छी बात है। अब मैं आपको यार थोड़े से सैंपल दिखा देता हूँ। सैंपल देखने के बाद ना कहीं आपको दोनों ही फोन में काफी अच्छी वाली डिटेल देखने को मिल रही है। एक बार आप इस फोटो को देखिए, पीछे की तरफ जो घर का कलर है ना ये आपको ज्यादा बूस्टेड लग रहा है Redmi के Note 10 Pro में, ऐसा कलर घर का नहीं है। और जो यार Moto के फोन में आपको घर का कलर देखने को मिल रहा है ना ये वैसा ही है जैसा मुझे दिख रहा है। डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छी वाली आपको मिल जाती है Redmi के फोन में भी और साथ में यार Moto के फोन में। और जो नाइट का कैमरा है ना ये भी आपको बेहतर लगेगा Moto के G60 में, नाइट में काफी अच्छा वाला काम कर रहा है Motorola। हाँ जो माइक्रो कैमरा है ना ये कहीं ना कहीं आपको बिंदास मिलता है Redmi के Note 10 Pro में। डिटेल की कमी दोनों ही फोन में नहीं है। यदि आपको बूस्टेड कलर पसंद है तो आपको जाना चाहिए Redmi के Note 10 Pro की तरफ। और आपको नेचुरल फोटो लेनी है ना तो कहीं ना कहीं जो Moto का G60 है ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी दोनों ही फोन से अच्छे वाले वीडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जो सेल्फी कैमरा है ना ये मुझे कहीं ना कहीं बेहतर लग रहा है Moto के G60 में। Moto के G60 में Google असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन मिलता है, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कैसे ये फोन आपको फ्री में मिल सकता है। आपको नीचे जो यार टाइटल लिखा है ना इसको पहले लिखना है, जो भी कुछ लिखा है उसके बाद आपको ये बताना है आपको कौन सा फोन बेहतर लगा है, Redmi का फोन बेहतर लगा है या आपको लगा है Motorola का फोन। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, आपको टाइटल पक्का लिखना है क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी लिख देते हैं हाँ एंट्री डन। यदि आपने एंट्री डन लिख दिया तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे पेज भी दिख रहे होंगे, सबको आपको फॉलो करना है। अब मुद्दे की बात यह है यार कौन से फोन की तरफ जाना चाहिए, Motorola के फोन की तरफ हम जाएं या Redmi के फोन की तरफ जाएं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा, यदि आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला फोन लेना है, अच्छी डिस्प्ले वाला फोन लेना है तो आपको जाना चाहिए Redmi के Note 10 Pro की तरफ। आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, इसके साथ साथ जो डिस्प्ले है ये काफी कमाल की है। और जो Moto का G60 है ना यहाँ पर आपको बेहतर UI मिल रहा है, बहुत ही क्लीन UI मिल रहा है, कोई भी आपको ब्लोट्स वेयर भी देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ में बहुत ही बड़ी वाली बैटरी भी देखने को मिल जा रही है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी आपको निराश नहीं करेगा। आपकी क्या नीड है आपको ये समझना पड़ेगा। सब में कुछ अच्छी बातें होती है कुछ बुरी बातें होती हैं, मैंने आपको अच्छी बातें भी बता दी बुरी बात भी बता दी। और Redmi के Note 10 Pro में सबसे बुरी जो बात है ना
वो है MIUI। और जब तक यार MIUI सही नहीं होगा तब तक मैं बोलता रहूंगा, मेरा काम है आपको सच बताना, मैंने आपको सच बता दिया है। जाते जाते आपको यही कहूंगा, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।